सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। जो भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ और समाज किस तरफ जा रहा है, पिछड़े दलितों की क्या स्थिति है, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। और आप सभी लोग भी लाइव जुड़िए, इसको शेयर करिए, तमाम लोगों से जब हम रूबरू होंगे, बातचीत हमारी लोगों तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मजबूती प्रदान होगी और पिछड़ा दलित समाज जो सोया है या सोने की ढोंग कर रहा है वो जागेगा। अगर वो समाज जाग गया तो बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और इसको ये सोचें कि अपने से जाग जाएगा, वो अपने से नहीं जागेगा। हम जैसे आप जैसे लोगों को लड़कर, हम जैसे आप जैसे लोगों को बलिदान दे करके जगाना पड़ेगा। देखिए, मैं थोड़ा सा सख्त हूँ, थोड़ा सा खरा बोलता हूँ, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे लोग बहुत आराम, और ये कहते हैं ना कि आराम करना पसंद करते हैं, बहुत सोचते हैं कि बड़े आराम से जो चीज़ें मिल जाए, बड़े प्यार से जो काम हो जाए, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। देखिए, हम सभी लोग कांसीराम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग मजदूर वर्ग से, हम लोग कमेरा वर्ग से हैं, हम लोग ऐसे वर्ग से हैं कि जो वर्ग हमेशा प्रताड़ना सहा है, लड़ा है, जीता है, उस वर्ग से। इस बात को क्यों नहीं समझते? आज थोड़ा हम सक्षम हो सकते हैं, थोड़ा सा हम ऐसो आराम हमारा बढ़ सकता है, हमारी सुविधाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन मत भूलिए कि जिसकी वजह से आज हम इतना पावरफुल हुए हैं वो आरक्षण है, और उसकी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई में हमारा कोई योगदान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है। इस बात को आप लोग समझिए। और मेरा निवेदन है कि जो भी साथी देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दें। मेरा फेसबुक एक्चुअली मणिपुर मामले को लेकर के, मैंने मणिपुर की आवाज़ उठाई तो मणिपुर मामले को लेकर के मेरे फेसबुक को ब्लॉक कर दिया गया था और उसकी रीच घटा दी गई। मेरे जो भी साथी यूट्यूब पे इस वीडियो को देखते हैं, मैं उन सभी साथियों से कहूँगा कि इस फेसबुक पेज पे आप लोग जुड़ा करिए। फेसबुक पेज के माध्यम से ये बात हम देश देश तक पहुंचा सकते हैं, देश प्रदेश, उन तमाम पिछड़े दलित भाइयों, क्योंकि फेसबुक का जो दायरा है बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूं कि आप लोग इसको शेयर करिए, तमाम आपके पास ग्रुप होंगे, तमाम आप अपनी पर्सनल वॉल पे शेयर करिए, लोग जुड़ेंगे। मैं जानता हूं कि इस पे अभी संख्या कम है, क्योंकि जब लड़ाई हम लोग इससे पहले लड़ रहे थे तो फेसबुक के माध्यम से ही हम लोग लाइव करते थे, तो लिस्ट आने के बाद यूट्यूब चैनल पे एक्चुअली मेरा उस बीच भी मेरे आईडी को ब्लॉक कर दिया गया था, तो वो उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे जोड़ना शुरू किए। देखिए, आज मैं ये बात आप लोगों से कहने आया हूँ कि यार, इसी उत्तर प्रदेश के हम भी नागरिक हैं और भरपूर मात्रा में हमारी जाति, बिरादरी, वर्ग, बहुजन, पिछड़ा, दलित सब लोग दबाकर वोट देते हैं और उसी वोट के बदौलत सरकार बनती है। बड़े दुख की बात है और सुनने और समझने की भी बात है कि हमारी ही वोट से लोग गद्दी पे बैठे हैं, हमारी वोट से ही लोग, हमारे वर्ग के लोग मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उनको हमारी कोई फिक्र नहीं है। ये आप भूल जाइए, आपके लिए खड़ंजा के लिए काम कर सकते हैं, आपके लिए आपके निजी थाने में फोन कर सकते हैं, लेकिन जो जिससे आपका जीवन चलेगा, जिससे आपकी पीढ़ी बनेगी, जिससे आपको आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेंगी, जो रिजर्वेशन आपको मिला है उस पर कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो ये सरकार है वो रिजर्वेशन विरोधी सरकार है। और ये लोग मानसिक रूप से कुंठित हैं, जाकर उन्हीं के गोद में बैठ के बाकायदा अपना पूरा जीवन अच्छे से चला रहे हैं, लग्जरी जीवन जी रहे हैं, सब कुछ है। मुझे पता है कि उनको दर्द बहुत ज़्यादा है, मेरे जो समाज के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको दर्द है, 100% दर्द है, 200% दर्द है,
लेकिन इस दर्द को वो बयां नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे बच्चे जो आएंगे वो लोग अच्छे अच्छे देश विदेश में पढ़ेंगे। बताइए केशव प्रसाद मौर्य, उनको जाना इसी बात के लिए जाता है कि पिछड़े समाज के, मौर्य समाज के, ओबीसी समाज के ये मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, इस वजह से उनका एनडीए में अलायंस है कि वो पटेल समाज से आती हैं, पटेल समाज का वोट ट्रांसफर कराती हैं। इस वजह से बताइए स्वतंत्र देव हैं, उनका भी काम वही है। हमारे संदीप सिंह मंत्री जी हैं और संजय निषाद जी हैं, अरे कैसे आप लोगों का जमीर जाग रहा है? 3 साल से आपका बच्चा इको गार्डन में बैठा है, सड़कों पे भटक रहा है, प्रशासन में बैठे अपने लोग भी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। बताइए, मैं तो सतीश द्विवेदी को भगवान मानता हूँ। सतीश द्विवेदी अपने 6800 लोगों के लिए भगवान है। जनरल वालों को दे दिया नौकरी, आज तक किसी पिछड़े दलित ओबीसी मंत्री की हैसियत नहीं उस नौकरी को छीन पाए। कोई ढंग से बोलने की भी जरूरत नहीं करता कि यार हमारे बच्चे, अरे मैं कह रहा हूं ना कि आप जब वोट आपको लेना होता है तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। मैं अनुप्रिया पटेल जी का एक भाषण बताता हूं, बुरा लगेगा तो क्षमा करिएगा बहन, क्षमा करिएगा। हम लोगों ने बहुत इंतजार किया, हम लोगों ने बहुत सहा, लेकिन हम लोगों की पीड़ा कोई नहीं हर पा रहा है, हम लोगों का दर्द कोई नहीं बयां कर पा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप असहाय हैं तो आप हमारे साथ धरने में बैठिए। मैं आपको कहना बंद कर दूंगा, आपसे सवाल पूछना बंद कर दूंगा। क्या केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े को नेता नहीं है? क्या वो हमारे साथ इको गार्डन में नहीं बैठ सकते हैं? अपने सरकार से कहें, सरकार में इतने तो पावरफुल हैं हमारे मंत्री, आज नए नए एक ठो पियरका चचा बने हैं, पहले बहुत दंश भरते थे कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, आज नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। और भाई ऐसे देखो आवाज उठेगी, मैं जानता हूं कि मेरे फेसबुक कम्युनिटी के लोग इस वीडियो को इतना फैलाएंगे कि उन हर मंत्रियों को ये बात सुनाई पड़ेगी, और देखते हैं समझते हैं और हमारी ताकत को नजरअंदाज ना करें। हम शांतिपूर्वक गांधी रूप में, गांधीवादी तरीके से अगर इको गार्डन में बैठे हैं तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की तरह उन तमाम रैलियों को भस्म कर सकते हैं, उन तमाम आपके एजेंडे और जातिवार तरीके से जो हमारे समाज का वोट लूटते हैं वो सब कुछ बंद करा सकते हैं। इस बात को बहुत नजरअंदाज मत कीजिएगा, ये ताकत है ओबीसी एससी कम्युनिटी की, इसको मत भूलिए। हम 85-90% लोग हैं, भूल जाएंगे जिस दिन कि आप मेरी बिरादरी की हैं, आप मेरे समाज की हैं, आप मेरे पिछड़े समाज से हैं, आप मेरे बहुजन समाज से मंत्री बनी हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने सतीश द्विवेदी का खुलेआम विरोध किया, गलत किया। वो अपने समाज के लिए हीरा था, वो अपने समाज का हीरो था, उसने अपने समाज को नौकरी दिलाई, उसने अपने समाज को आगे बढ़ाया। मैं कह रहा हूं कि एक एक लोग अगर 10-10 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, अपने फेसबुक पे अपने लोगों से साझा करें, तो ये आवाज़ देश और प्रदेश में जाएगी, और देश और प्रदेश में जाएगी तो हम लोग अपनी लड़ाई हर हाल में जीतेंगे। सामने लोकसभा का चुनाव है, आपको डराया जाएगा, आपको ये आपको राजनीतिक बताया जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए, उसी राजनीति की वजह से, उसी राजनीति की वजह से आज वो लोग मलाई काट रहे हैं, और उसी राजनीति की वजह से आप हम नौकरी नहीं पा रहे हैं। हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे तो हमको राजनीतिक बता दिया जाएगा। अरे शर्म करो, शर्म करो कि आप लोग अपने आप को एनडीए के गठबंधन घटक दल मानते हो, शर्म करो कि आप लोग एनडीए गठबंधन में हो, शर्म करो कि आप भारतीय जनता पार्टी में हो और हम लोग सड़कों पर हैं। बहुत शर्म लाज की बात है। अगर थोड़े भी अपने समाज की चिंता है, थोड़ा सा भी अपने समाज की चिंता है, तो एक बात समझ लो कि हर हाल में इस समाज की आवाज़ उठाओ, गृह मंत्री जी से मिलवाओ, प्रधानमंत्री जी से मिलवाओ,
मुख्यमंत्री जी से मिलवाओ, यहीं से हमारा काम हो सकता है। और बताइए, आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग यहाँ फर्जी फोकट बैठे हैं। हम लोगों को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने न्याय दिया था। राजस्व परिषद कमेटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में पूरी टीम बनाई गई। उस टीम ने ये बताया कि नहीं, पिछड़े दलितों के साथ इस भर्ती में, और ये 6800 लोग इतने थोड़ी न होते हैं, 69,000 भर्ती में 6800 लोग, सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। अरे छोटे छोटे स्टेटों में, दूसरे स्टेटों में तो 6800 वैकेंसी भी नहीं आती, कितनी बुरी स्थिति है। हम लोग आज मजबूर हैं धूप में बैठने के लिए, छांव में बैठने के लिए, बरसात में बैठने के लिए। लोगों को लगता होगा कि मैं यहाँ अकेले संघर्ष कर रहा हूँ। भैया मुझे पता है कि अंबेडकर साहब हमसे बुरी स्थिति में नहीं थे, अंबेडकर साहब हमसे बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में थे। वो चाहते तो वो भी एक अच्छी लाइफ जी सकते थे, लेकिन वो जानते कि आज हम, जैसे हमारे वर्ग के मंत्री है ना, आज अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो हम लोगों का कोई, हम लोग मर रहे हों रोड पे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही अंबेडकर जी सोचे होते तो आज ये लोग जिस आरक्षण की वजह से, जिस रिजर्वेशन की वजह से आज मंत्री विधायक सांसद और नौकरियों में बैठे हैं, ये न कर रहे होते। मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि यार लाज शर्म करो। जिस आरक्षण की वजह से नौकरी पाए हो, वही आरक्षण छीनने की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और इको गार्डन में 3 साल हो गए, मेरा हौसला मेरा जज्बा कभी नहीं टूटेगा, चाहे 30 साल हो जाए। मैंने अपना जीवन अपने समाज के नाम कर दिया, और इस बात को समझो किस तरीके से हमको आज फिर से वही 50 साल पहले की चीजों में उलझाया जा रहा है। हमें धर्म से जोड़ा जा रहा है, हमें पिछली पुरानी कहानियों से जोड़ा जा रहा है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे वैसे थे, ये थे। पूर्वजों को देखना हो तो छत्रपति शिवाजी को दिखाओ हमको, छत्रपति शिवाजी के बारे में बताओ, हमारी अंबेडकर जी के बारे में बताओ, और हमारे पेरियार ललित सिंह यादव जी के बारे में बताओ, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताओ, और इन सब लोगों के बारे में बताओ, तमाम हमारे वो हैं ज्योतिबा फुले के बारे में बताओ। नहीं बताओगे, अगर बताओगे ना, हम जागरूक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। संघर्ष गांधी ने भी किया, संघर्ष भगत सिंह ने भी किया, और आज जरूरत है समाज को। घरों में बैठे हो कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन है नरक हो जाएगा जीवन, नौकरी नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, नरक हो जाएगा जीवन। आज जो लोग सोच रहे हो ना कि हम लोग यहाँ बैठे हैं हमारी नौकरी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की नौकरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियों की नौकरी है। आने वाली पीढ़ियाँ नहीं बचेंगी, कुछ नहीं होगा, सब सर्वनाश हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि बारिश बहुत तेज हो गई है, और आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये समझ लीजिए कि लड़ाई हक हुकूमत अधिकार की है। और तमाम लोग हैं जिनका हर रोज ट्रैक बदलता रहता है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए कि जो लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ते लड़ते आज BRPTC पे आ गए। जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं हम लोग आरक्षण बचाएंगे, पिछड़े दलितों को न्याय दिलाएंगे, आज वो लोग BRPTC कर रहे हैं। सावधान रहिएगा, ये मुहिम जो आरक्षण का है, ये मुहिम 69,000 शिक्षक भर्ती का है, रिजर्वेशन घोटाले का है, उस मुहिम पे आप लोग बने रहिएगा। जहाँ भी इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर आप लोग शेयर करिएगा। ये पिछड़े दलितों की आवाज़ है, ये संघर्ष है, इस संघर्ष को हम सभी लोगों को आगे बढ़ाना है, लोगों को जगाना है, और
ये समाज, ये रिजर्वेशन नहीं बचेगा तो हमारे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात को आप लोग समझिएगा। मुझे एक बात आज एक लोग कह रहे थे यार कि यार देखो मैं रिजर्वेशन की बात करते हो, क्या करते हो, हाँ मैं भी रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती लगता है यार कि अपने आप को। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यार अगर तुम चमार हो, तुम पटेल हो, तुम कुर्मी हो, धोबी हो, हाँ तुमको उसी नाम से जाना जाएगा, तुम्हारा हक अधिकार उसी के हिसाब से मिलेगा, तुम्हारे सर्टिफिकेट के हिसाब से मिलेगा। तुम शर्माओ मत, ओबीसी हो ओबीसी बन के रहो, जो भी हो इकट्ठा रहो, एकत्रित रहोगे तो लड़ाई जीत जाओगे। और ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। आपके बच्चे जब ये जानेंगे ना कि हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के लोग रिजर्वेशन की वजह से नौकरी पाते थे, आज हम लोग वही रिजर्वेशन नहीं है तो दर दर भटक रहे हैं और सभी सवर्ण नौकरी कर रहे हैं। बताइए ईडब्ल्यूएस रातों रात लागू कर दिया गया, किसी को भनक तक नहीं लगा। बहुत बुरी बात है, बहुत। और इससे भावनाएं किसी की नहीं आहत हो रही। आज बताइए कि क्या हम लोग उत्तर प्रदेश के युवा पिछड़े दलित अभ्यर्थी क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं? क्या ये हमारा प्रदेश नहीं है? बताइए, आप ही लोग बताइए। लेकिन क्या हमारी लड़ाई कोई लड़ने को तैयार हो रहा है? क्या हमारी कोई आवाज उठाने को तैयार हो रहा है? नहीं करें। आपको स्वयं इतना मजबूत होना पड़ेगा, इतना संघर्ष करना पड़ेगा कि आपकी आवाज पूरे देश और दुनिया में पहुंचे। मैं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को जब भी देखिएगा, मैं जो भी देखेगा वो जरूर शेयर करिएगा। ये आपकी आवाज है, पिछड़े दलितों की आवाज है। और सुनिएगा, ये एक युवा का दर्द है, 69,000 शिक्षक भर्ती में पीड़ित अभ्यर्थी का दर्द है, पिछड़े दलित समाज का बेटा है इसलिए उसका ये दर्द है। हमारे लोग मंत्री, विधायक, सांसद तो बना दिए जाएंगे लेकिन हमारा अधिकार नहीं देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय।